वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। स्वागत है जी मेरे यूट्यूब चैनल नवदीप सिंह लुधियानवी ते। दस्तार दी पूणी ते बेस दी वीडियो दा लिंक मैं डिस्क्रिप्शन च दिता होया। मोनी दस्तार सजाउण लगे आपां 6x40 जिहड़ी कि आपां बिगिनर्स लई जिहड़े मेरे वीर नवें नवें दस्तार सजाउण दे चाहवान हुंदे आ ते ओह मोनी दस्तार सजाउणा चाहुंदे आ तां ओह ये वीडियो जरूर देखण। ते उस तों पहलां जिहड़ी मैं तुहाडे नाल इक गल करन जा रहा बहुत जरूरी गल ओह है कि मेरे जिहड़े वीर मेरीआं वीडियोज़ देखदे ने उहनां चों 75% मेरे वीरां ने मेरा चैनल सबसक्राइब नहीं कीता होया जिहड़ा कि तुसीं देख रहे हो। ते उस तों पहलां तुसीं चैनल नूं सबसक्राइब करना ते बैल आइकन नूं क्लिक करना तां जो साडी पाई वीडियो सब तों पहलां तुहाडे तक पहुँच सके। ते असी पहले पेज नूं इस तरीके नाल खोल लेना है। ते पेज नूं खोल के पहला तो एक बार अंदर नूं फोल्ड करना है, इनू चंगी तरह प्रेस कर लेना है। ते दोबारा ही उन्ना दोबारा फोल्ड करना है ता जो अपना पेज है जिहड़ा एक तरह थोड़ी जी मोटाई दे विच आ जावे ते एक पैरेलल पेज बन दे। ते लैफ्ट साइड तो फिर अंदर नूं पेज नूं फोल्ड कर देना है। ते इस तरीके नाल जो आपां पेज बना लवेंगे तो अपना पेज ना तो ज़्यादा मोटा होएगा तो ना ही ज़्यादा अपना पेज पतला होएगा। तो ये कारण साडा पेज है जिहड़ा अपनी जगह पर टिका रहेगा तो एन प्लेन पेज बनेगा मूल हिस्से तो लैके पिछले हिस्से तक। ठीक है, तो रखो तो पेज की चौड़ाई इन्नी ही होनी चाहिए है। तो इन अपनी सज्जी अख का भरवट्टा जितों शुरू होंदा उत्थे रखना है पेज में। तो अद्धी अख ढकते हुए अद्धी गल ढकते हुए तो उपले हिस्से तो थोड़ा कन छड़ते हुए इस पहले पेज में असी लगा लेना है जिमें कि तुहानू वीडियो दे विच दिखाया जा रहा है। देखो अपनी जिहड़ी इस दस्तार की पूणी ते बेस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन च दिता होया तुसी उत्थे जाके देख सकते हो। तो इस दस्तार नूं भी सजाने असी सारे पल्ले बराबर करके ही दस्तार नूं सजाना है, दोनों पल्ले बराबर करने हैं। तो एक गल का ध्यान ये भी रखना तुसी कि मौनी दस्तार है राइट साइड तो जिहड़ा पहला पेज आ वह ज़्यादा उच्चा नहीं लगाना। तो असी पहला एक बार पेज ये फोल्ड करना है। ठीक है, देखो जिथे सजे अख का भरवट्टा स्टार्ट हुंदा उत्थे मैं पेज रखे। तो इस पेज नूं अंदरों भी मैं बाहर नूं खोलिया तो निचले हिस्से तो खिंच के दोबारा इनू अंदर नूं फोल्ड करांगा ता जो निचले हिस्से तो यह प्लेन हो जाए साफ हो जाए तो थोड़ा है मोटा भी हो जाए क्योंकि ये पेज बाकी पेचा वाग मोटा भी दिखना चाहिए सानूं। तो इस मोटा करने असी अंदर नूं फोल्ड कर देवांगे। तो आपां दोनों साइड उपर पांच पांच पेज भी दिखाने हैं इसलिए इस पेज नूं उपर तक खोलना भी असी। ठीक है जी, अंदरले पेज नूं उपर तक खोल देना तो नीचों भी सैट करते हुए इस पेज नूं लगा देना पिछे तक। ठीक है, तो देखो मैं कि पेज किन्ना उपर नूं खोलता होया इस तरीके नाल तुसीं पेज नूं सैट कर लेना है। तो पिछले हिस्से ते जाके दोनों पेचों नूं बराबर करते हुए इस तरह पिंच करके उपरों ते नीचों पेज नूं रख लेना है। तो हुण असी तीजा पेज भी इस तरीके नाल लगाना है। देखो दोनों साइड्स तों पेज बराबर होने चाहिए उपरों जी क्योंकि दोनों साइड्स से असी पांच पांच पेज कढ़ने आ उपले हिस्से ते भी सिंपल मौनी दस्तार सजाउण जा रहा सी 6x40 इहदे विच भी दोनों पल्ले बराबर करांगे। पिछले हिस्से ते चुंडी भर के पहले पेज दे बराबर पेज लगावांगे, दोनों पल्ले बराबर करांगे निचले हिस्से तों। ठीक है जी, इस पेज नूं असी खिंच के कंधे उपरों जी लगा लेना है। ठीक है, तो जिथे पहला पेज असी फोल्ड किया सी उत्थे ही इस पेज नूं भी फोल्ड करना है। एक गल का ध्यान रखियो कि आपां लैफ्ट साइड तों भी सारे पेज बराबर फोल्ड करने हैं। तो मूले हिस्से तों जे आपां निचले हिस्से तों पिंच करते हैं तो उपले हिस्से तों भी पिंच करना है। तो उपले हिस्से तों पेज नूं खोलना भी है ता जो उपर पांच पेज दिखाई देण। ठीक है, देखो पहले दूजे पेज की स्पेस असी इन्नी नहीं रखी क्योंकि सानूं पता जदों असी सलाइना साफ करना है तो पेज की स्पेस ऑटोमैटिकली वध जानी है। ठीक है जी, समझ रहे हो तुसीं इस गल नूं। जे कि तुहानूं ज़्यादा बाहर लगता है तो उन्होंने हाथ नाल फोल्ड कर सकते हो अंदर। तो बाकी इस पेज नूं नीचों जी पेज की स्पेस से रख के उपरों जी बराबर रखना है पहले पेज नाल। देखो पिछे फिर उस तरह आप चुंडी भरती हुई है। तो हुण असी की करना है, हुण असी इस पेज दे भी दोनों पल्ले बराबर कर लेने ने ते उन्होंने रख देना इत्थे। इस पेज च भी असी दोनों पल्ले बराबर करते हुए जिहड़ी जगह ते तुहानूं लगता है कपड़ा घट है उत्थे कपड़े नूं एडजस्ट कर देना असी। देखो जिवें मैं तुहानूं वीडियो दे विच करके दिखा रहा हां ते निचले ढिले हिस्से नूं असी पिछे खिंच के लगा देना है। तो इस पेज में भी बाकी पेचा वाग उपरों जी मोटा कर देना है बाकी पेचा के मुताबिक। तो पेज में रखना भी उत्थे ही है। देखो मैं चुंडी भर के दिखा रहा तुहानू, ये देखो ये एक बारी इदा चुंडी भरनी है। ठीक है, तो हम दूजी गल मैं तुहानू दसांगा जिहड़ी अपनी दस्तार दे विच सिलाई आउंदी हुंदी है। देखो देखो सिलाई आ गई ना ये, हुण जे मैं तां इहनू एक बारी थले खिंच के इदा फोल्ड करा तो सिलाई आजूगी लड़ दे विच। तो हुण इहनू सैट कित्ता करना, असी लड़ खोल लैणा नीचों जी, आपां नीचों जी लड़ खोल लैना जिथे तक सिलाई बाहर नहीं निकल जाती। तो सिलाई के नीचों जी थोड़ा कपड़ा खिंचना ताजो आप लड़ू साफ करके ला सकी उस जगह तो। ठीक है,
देखो थोड़ा वध खिंच लियो क्योंकि जो आप थले खिंचांगे तो सिलाई फिर दोबारा तो दिखनी शुरू हो जाएगी आपको। देख लो पेज में हो जिन्ना हो सके खिंच लेना है सिलाई में, बस असी लुकाना है अपना मोटिव मेन यही है। देखो बाकी पेज वाली जगह पर पिंच करता अस पेज में सिलाई लुकोती हुई है तो इस पेज में भी मोटा कर लेना अभी जिन्हें अपने पहले दो पेज है तो उपले हिस्से तो भी इस पेज में बाकी पेजा वाग बराबर कर लेना। एक गल का ध्यान रखियो जिहड़े अपने उपले पेज होंगे है ना उपले पेज भी बराबर होने चाहिए उपले हिस्से तो, कोई इदा का पेज नहीं होना चाहिए कि अगले पेज में अंदर दब दे या उस पेज में गायब कर दे। ठीक है ताइयों असी उपले दोनों साइड तो पांच पांच पेज दिखा सकते हैं जी असी उपरों भी ध्यान रखिए उस चीज़ का। तो पिछले हिस्से तक जाते हुए उपरों ही हाथ मार के देख लेना कि हाँ वो पेज पहले पेजा के बराबर हैगा कि नहीं। ठीक है ना जी तो नाल ये भी देखिए ना कि अपनी शेप दोनों साइड तो बराबर आ रही है कि नहीं, जो अपना कोई लड़ खिसकता नहीं रहा जी थोड़ा मोटा तुम्हें खिसकता लगता है तो तुम इस तरीके थले खिंच सकते हो। वैसे नॉर्मली मेरा लड़ खिसकिया नहीं मैं तुम्हें जस्ट करके दिखा रहा चीज़। ठीक है मैं जान के थोड़ा होर थले खिंच के दिखाया तुम्हें तो पता लग जाए। इस पेज में भी असी दोनों पले बराबर करके बाकी पेजा के नाल बराबर करके ही लगाना है। देखो मोरनी दस्तार ये ना बैलेंस का बड़ा ध्यान रखना पैंता दोनों साइड्स तो कि दोनों साइड्स तो दस्तार बराबर होनी जरूरी है। ठीक है तो जो अपना कपड़ा है कई मेरे भीर कहते मोरनी दस्तार जिते डोंग पैंता है या कह देंगे कि उपले हिस्से तो सारे पेज मोटाई च नहीं आते या निचले हिस्से तक लड़ नहीं आते। देखो मैं देखो अख तक मेरा लड़ा है तो ये पेज मेरा चौथा पेज है राइट साइड तो। ठीक है जी तो सारे पेज आप मोहन कड़ने तो पेज में थलों भी तो उपरों भी फोल्ड करना पेगा जिमें मैं तुम्हें करके दिखा रहा। देखो मैं उपरों भी फोल्ड किया ना ये पेज ता जो मेरी दस्तार है पिछे ना खिसके तो हूँ मैं नीचों जी पेज में दोबारा पिंच कराँगा वो मैं बाद चु कर रहा। देखो तुम पहला बाद कोई भी कर सकते हो पर मेरा तुम्हें दसन का मतलब यह है कि तुम जो नीचों पिंच कर रहे हो तो उपरों भी पिंच करनी पैनी दस्तार तुम्हें जो तुम पेज बराबर करने हैं तो इस पेज में भी बाकी पेजा वाग उपले हिस्से तो जिन्ना तुम जिन्हें चौड़े उपले पेज लगाए आ उत्थे तक ही खोलना है उपरों भी। ठीक है बराबर करना है उपरों जी तो नीचों जी बाकी पेजा ना स्पेस से रखना है। ठीक है जी ये पंजवा लड़ तो इस पेज में पिछे जाके बाकी पेजा के नाल मिला देना है तो उपरों जी इस गल का ध्यान रखे कि यह पेज किसी लड़ लुकोवे ना जिहड़े तो पहला लगाए पेज है ना लैफ्ट साइड से उन्होंने लुकोवे ना। तो हुण असीं लगाउण जा रहे जी राइट साइड तो पंजवा पेज। देखो हुण तुहानूं शेप बराबर दिख रही है ना हुण देखो यह हैगा साडा राइट साइड तो पंजवा पेज मतलब कि सैकेंड लास्ट पेज। जिवें कि मेरी तुसीं किसी भी दस्तार की वीडियो देखिया होना कि मैं हमेशा तुहानूं यह सुजैसट करता हुंदा कि बाहला हिस्सा ही कल्ला थले नूं खोलिया करो अंदरले हिस्से नूं उस जगह पर एडजस्ट करो जिथे तुहानूं लगता कि कपड़े की ज़्यादा जरूरत है जिथे कि मैं करदा। देखो कन्न तो उपर क्योंकि कन्न तो नीचे सानूं ज़्यादा कपड़े की लोड़ नहीं हुंदी। ठीक है ना समझे मेरी गल क्योंकि देखो कन्न तो नीचे सानूं कपड़ा उत्थे तक लोड़ हुंदी आ जिथे असी को कपड़ा भरना है कपड़ा भरन की एडजस्टमेंट असी कर चुके हैं तो हुण असी सिर्फ पेज नीचे नूं खिंचना है जिहड़ा सपोर्ट करे अपने कलगी पेज की। ठीक है ना जी तो असी उन्ना ही पेज नीचे नूं खिंचना है ज़्यादा मोटा नहीं खिंचना खिंचना पतला जिहा ही आ पर यह पेज कलगी वाले पेज नूं टिकाई रखेगा अपनी जगह पर। इस पेज में चंगी तरह उपर खोल देना असी तो बाकी पेचा वाग पहला तो उपरों बराबर कर लेना तो मोटाई के भी बराबर कर लेना असी। देखो मोटाई च बराबर कर लिया हुण असी इहनूं नीचों जी बाकी पेचा नाल बराबर कर लवेंगे। देखो मैं अख ते कित्थे तक पेच लैके आया है ठीक है जी जिथे मैं पेच लैके आया इत्थे तक ही अपना कलगी वाला पेच थोड़ा नीवा लगना है तो एक अद्धा सूत पर इनू तुसीं कोशिश करनी है कि बराबर रखने की। देखो मैं पेज एक बारी पिंच किया दोबारा इनू थलो जी खोल के मैं नीचों जी दोबारा पिंच कराँगा उस तो पहले उपरों जी पिंच किया मैं ता जो अपना पेज है जिहड़ा मूंह नूं आवे पिछे नूं ना गिरे। मेरे ज़्यादातर वीरां दी इही गलती हुंदी है कि उपरों दस्तार नूं पिंच नहीं करते जिहदे कारण उन्हां दी कोई भी दस्तार पिछे नूं गिरनी शुरू हो जाती है उपले हिस्से तो मूंहले हिस्से तो लाड़ू नाले उपर नूं चढ़ने शुरू हो जाते हैं यही मेन कारण हुंदा। एक गल होर याद रखियो कि जिन्ना पेज तुसीं चौड़ा मोहरों रखिया है जां तां उन्ना बराबर जावे पिछे तक पर उस तो घट ना जावे। ठीक है चौड़ाई च पेज मोहरों लैके पिछे तक इको जिहा होना चाहिए चाहे तुसीं अमृतसरी कोई भी दस्तार सजाओ पटियाला शे मोहनी अमृतसरी किसी भी तरीके की पर कभी यह नहीं होना चाहिए दस्तार के कि मोहरों पेज तुहाडा चौड़ा तो पिछे जाके पतला हो गया। ठीक है तो हुण देखो असीं लुपी वाला पेज लगा लिया इस पेज में भी आप उपले हिस्से तो बाकी पेजा वाग बराबर रखे तो हुण असी एक एक करके पहला तो उपले हिस्से तो दस्तार की थोड़ी जी सैटिंग करांगे। ठीक है एक एक करके सारे पेज उपरों जी फिल्ड किए मैं देखो हुण दूजा पेज कर रहा उपरों जी हुण तीजा पेज पिंच करना मैं। ठीक है
आ हूँ चौथा कर रहे हैं, लैफ्ट साइड तो कर रहा मैं, तो हूँ पंजवा पेज कर रहा, ठीक है जी। तो हूँ आप राइट साइड तो भी इस तरीके करेंगे, एक एक करके सारे पेजों बराबर करा। देखो ये तो मैं किया बराबर प्लस दिखाया उपरों पेज कि हाँ पंजों पंजों पेज दोनों साइड से दिख रहे हैं, बट उन्होंने पेजों हले जे रिंकल पे हुए हैं जेडे वट पे हो ना उपर वो असी साफ करने बाकी आ हले अपने। उस तो पहले असी इस जगह तो सारे पेजा की जी सफाई करा तो स्पेस में प्रॉपर करा। जे तो लगता कन टेढ़ा हो गया थोड़ा जो कोई भी प्रॉब्लम आ रही तो उन्होंने हमने सोल्व कर लो, तो एक करके सारे पेज बराबर कर लो तो उन्होंने मोटाई भी बराबर कर लो, ठीक है जी। असी एक भी वल विलेवाल ही रहन देना दस्तार के सारे पेज बराबर मोटाई के लैके आने हैं। जे कोई निक्की मोटी कमी पेशी रही हो दूर कर लेना मेरे वीरों, ठीक है। आ देखो मैं हूँ पेज तो बराबर कर देना है पिछे तक, ठीक है जी। जे तो थोड़े मोटे पेचे की स्पेस वध गई लगती है सिलाई कर तो खिंच के थले कर सकते हो बराबर कर सकते हो जिदा तुम्हें ठीक लगे तुम कर सकते हो। मैं तुम्हें सारी डिटेल के वीडियो दे रहा, देखो मेरी वीडियो लंबिया जरूर होंगे पर पूरी डिटेल होंगे, ये वीडियो भी लंबी होगी क्योंकि मैं पूरी डिटेल से दे रहा। आ देखो आ मैं हूँ सिलाई की मदद नाल वट सैट कर रहा, तो जे पेज उपर थले तो उन्होंने भी नाल ही सैट कर रहा मैं। देखो ये है राइट साइड तो पांच पेज अपने, बाकी तुम्हें लास्ट के जरूर दिखाऊंगा डि चंकी तरह कि दोनों साइड से पांच पांच पेज से साफ किए हुए चंकी तरह। आ देखो हूँ इधर भी तुम्हें साफ दिखते होने पांच पेज ने उपर सिलाई की मदद नाल तुसीं पेजां नूं साफ करना। हूँ देखो उपर कढ़ने तो तुम दस्तार बनते बनते हैं पर जोड़े साफ करने वो साफ बाद दे विच ही होंगे ज़्यादातर, ठीक है। ये तो जो तुम डीपली इस चीज़ पर ज़्यादा मेहनत करोगे तो हौली हौली करके तुम भी आ जाएगी, कोई बंदा इनू जमदा ही नहीं सीख्या होंगे, प्रैक्टिस करना कोई चीज़ सीखता होंगे बंदा, ठीक है। जिनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उन्नी ज़्यादा तुम उस चीज़ महारत हासिल होगी। तो हूँ असी दस्तार के हर एक हिस्से पिछे तक भी दस्तार साफ कर लेना, कोई भी पेज कितने भी तुम्हें कोई भी कमी पेची लगती है जो टाइम है तो तुम लगा सकते हो, जो तुहाडे को नहीं टाइम है तो बेशक तुम ना टाइम दो इस जगह नूं, ठीक है। हुण असीं तुहानूं कलगी वाला पेज लगाना दसांगे, तो उस तो पहले तुम लुपी खोल ली है, लुपी इसलिए खोली है क्योंकि पिछों जी लड़ चंगी तरह घूम जाता, फिर इस पेज में असीं पिछे तक चंगी तरह खोल सकते हैं। देखो गर्मियों का मौसम आ गया ना, इस कारण ना दस्तार बंधे बंधे सुक जाती है, उत्तर जी कपड़े है भारे तो इन्हों थोड़ा जहा कलगी वाला पेज लगा लगे थोड़ा जहा गिला कर लो तो बहुत ज़्यादा वधिया गल है, क्योंकि ना जो आप इन्नी क सैटिंग करते हैं उद तक ना अपना कलगी वाला पेज सुक जाता तो उस रिंकल पै जाते हैं, वो कारण थोड़ा पानी लगा लो तो फिर इन पेज में खोलो उपरों जी नीचे सुट्टो पेज चंगी तरह खोल के पहले एक साइड थले कर दो पर उपर इकट्ठा कर दो कंधे उपर ना आने दो एक पेज में उपर खिंच दो, ठीक है। इस जगह पर आवे सारा मोटाई वाला हिस्सा, आ देखो जिहड़े मेरे वीर रूटीन च मेरी वीडियो देखते हैं उन्होंने ये सारिया गल्लां बड़ी छेती समझ आ जांदियां ने। तो हुण मेरे वीरों असी तुहानूं कलगी वाला पेज लगा के दिखा रहे हैं, देखो जिवें कि असी इस पेज से तो पहले लगाए पेज के उपरों जी इन्नी क स्पेस छड़ी है जिन्ना क आपां लास्ट वाला पेज जिथे आपां पिन लगानी है उत्थों चौड़ा रखे, ठीक है। देखो बाकी पेज नूं आपां उपरों जी अंदर नूं फोल्ड कर देना, दस दें तक वह भी तुहानूं करके दिखाने। देखो हुण पहलां तां अखां बराबर कर लईआं असी, आ जिहड़े उपर वट पै रहे अपनी दस्तार दे सिलाई की मदद नाल ये भी चंगी तरह सैट कर लेने ने असी। तो निचले हिस्से तो देखो मैं इस तो पहला जिहड़ा पेज लगाया वो देखो ये नाल बराबर है ना, इस कारण बराबर रखिया ताजो अपना कलगी वाला पेज अपनी जगह पर टिकया रहे, जे पेज के नीचे ना कलगी वाले पेज के नीचे सपोर्ट ही नहीं होगी तो अपनी जगह पर टिकया नहीं रहेगा, तुहाडी अख तो हमेशा उपर चढ़िया जाऊगा वो, ठीक है। बड़िया सोचिया समझिया गल्लां कर रहा मैं इसलिए मेरी गल्लां ध्यान नाल सुनिया करो, कई गल्लां बंदे नूं प्रैक्टिस करके नहीं कई सुनन दा भी समझ आ जांदियां हुंदियां बंदे नूं, ठीक है। तो आप देखो एन नक की सीध दे विच कलगी वाला पेच लगाउण वेले पिन लगानी है थोड़ी जी नीचे नूं टेढ़ी प्लस लैफ्ट साइड नूं, तो कलगी वाले पेच नूं आपां एक्स बना लेना, मतलब कि राइट वाला साइड लैफ्ट वाली साइड नूं लै लेना अंदरों जी घुमाते हुए, ठीक है। तो जिन्ना तुहानूं पसंद आ उन्ना कलगी वाले पेच नूं खोल लेना है, तो सिलाई वाले हिस्से नूं भी आपां बाहर नहीं आन देना उन्हूं अंदर कर देना जिवें कि तुहानूं वीडियो दे विच विखाया जा रहा। बाकी मेरे वीरो जे तुहानूं वीडियो पसंद आती होंगी तो चैनल नूं सबसक्राइब जरूर कर दिओ, बैल आइकन नूं क्लिक कर दिओ। तो मैं इस वीडियो लई 50K लाइक्स का एक टारगेट रखिया जिहड़ा तुसीं अचीव करवाना है इस वीडियो लई, ठीक है जी।
तो बाकी बस के हिस्से इस तरीके कलगी वाले पेज में अंदर लगा देना एंड सेंटर के हमेशा पेज जो होंगे ना इनू सेंटर के लगाना क्योंकि इन्ना सीधा पेज जाएगा अंदर तो तुहाडा उपरों जी लड़ सीधा दिखेगा जे तुसी खब्बे पासे नूं टेढ़ा ही लगाओगे ना तो चंगा नहीं लगता उपरों जी तो उपले हिस्से से पिन्ना भी लगा लियो पिन्ना नाल तुहाडा लड़ एक जगह पर टिका रहेगा तो हुण आपां उपले हिस्से तो दस्तान नूं कंप्लीट करते हैं देखो पिछले हिस्से तो मैं पेज पकड़ के उपरों जी दस्तार खोल ली है ठीक है तो उपले हिस्से नूं डबल कवर करांगा देखो आ अंदरला पल्ला आ दूजा पल्ला आ इन्हां नूं एक साइड ते कर लिया तो बंद वाला हिस्सा एक साइड ते कर लिया ठीक है डबल छत पावे जिन्ना ब्लैक कलर का कपड़ा अपना नहीं दिखेगा जेडे इदा के कलर होंगे ना इन्हों ब्लैक कलर झाकता रहता होंगे इसलिए मैं तुम्हें करने लिए कह रहा तो देखो राइट साइड तो लैफ्ट हैंड की मदद ना आप कपड़ा अंदर करता तो लैफ्ट साइड तो राइट हैंड की हैल्प ना असी कपड़ा अंदर करता तो हूँ सब पिछली वाली लुपी खिंच के पेज में कवर कर लेना उपरों दूजे शीशे की मदद ना असी हर एक हिस्से तो जो थोड़ी मोटी कमी पेशी आ गई हो लुपी वाला पेज लगाते हुए ज उपले हिस्से कंप्लीट कर दू उन्हों हने दूर कर लेना है क्योंकि इस तो बाद असी लुपी लगानी है तो जो कोई कमी पेशी रह गई होना सैट करो लुपी लगा तो ठीक है तो हूँ मेरे वीरों असी पिछले हिस्से तो लुपी लगा के दिखावे देखो कलगी वाले पेज का जो नीचे वाला लड़ ना उन्होंने पिछले तक बराबर कर लेना है जो भी थोड़ी टेढ़ी लगती उन्होंने भी सैट कर लेना है कोई भी निक्की मोटी कमी पेशी लगती है तो लुपी वाला पेज लगाने तो पहले सैट करना है ठीक है जी तो हूँ देखो पहले तो खिंच लेना इस पेज में चंगी तरह उपले हिस्से तो कवर हो गया राइट साइड तो अंदर कर लिया आप फिर लैफ्ट साइड तो अंदर कर लिया फिर लुपी को ढाई तीन इंच चौड़ी रख के कलगी वाला पेज खिंच के अंदर सारे रिंकल अंदर कर लेने ठीक है इस पेज में चंगी तरह अंदर फोल्ड करते हुए ढिले हिस्से भी अंदर कर देना है तो दोनों साइड्स तो बराबर पेज में चुकते हुए एक गल का ध्यान रखना लुपी हमेशा सीधी रहे मतलब कि सीधी उपर न पकड़ लेना एक साइड में टेढ़ी ना करो कभी भी ठीक है इस तरह लुपी को पकड़ के या देखो पहले लैफ्ट साइड तो सही की मैं फिर राइट साइड तो सही की मैं हूँ इस लुपी आप चक लेना उपर न ठीक है फिर दोनों साइड्स तो सेंटर के पकड़ के बराबर करके इनू लगा देना है तो आप फिर सिलाई की मदद नाल दोनों साइड्स तो कपड़े अंदर कर देना है इन्ना ढीला हिस्सा ना जो पेचा था वो अंदर चल जाता ऑटोमैटिकली तो हूँ मेरे वीरों असी तुम्हें सारी दस्तार के दर्शन कराने जी पहला तो फ्रंट तो ठीक है जी छे पेचा वाली मोहनी दस्तार उपले हिस्से से पाँच पाँच पेच हूँ लैफ्ट साइड तो तुम्हें 360 दस्तार के दर्शन करावे मतलब हर हिस्से तो हूँ बैक साइड तो पिछों जी शेप किवें जी लगती है तो उपरों जी पाँच पाँच पेज दोनों साइड से हूँ राइट साइड तो तो फिर मेरे वीरों दोबारा फ्रंट तो बाकी मेरे वीरों जो वीडियो वधिया लगी तो चैनल में सबसक्राइब कर दियो नवी वीडियो के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन से देते हुए हूँ दियो इजाजत गुरफतेह बुलाओ जी वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह।